यहाँ पे मत जी टेंटर टीना जी इधर आ जाइए। हो गया सबका आइए। डॉक्टर भी लाया। लगा तो नहीं जा रहे लिप बॉम लगा दे ये भी कॉल कर क्या नाम है इसका टीना जी? ब्रूनो। आज साथ में साथ में ब्लूटो। अरे ब्रूनो है ब्लूटो नहीं है ब्रूनो। एक फोटो कर लेते हैं ब्रूनो 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 चलो हो गया चलो 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 बेटा आजा किधर बैठ हो रहे फोटो नहीं होगा क्या? पहले फोटो होगा पीछे पहला आ जाओ पीछे गाइस चलो पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ बाइट हमें वहाँ नहीं करना है ये बाजू है ना फोटो हो गया ब्रूनो मैम लुक योर आईडी चलो स्टार्ट क्या कहना चाहोगे आफ्टर बिग बॉस फिनाले हमने देखा बहुत सारी मस्ती हुई है मम्मी पापा सबने एंजॉय किया है जी मम्मी ने तो बहुत एंजॉय किया है अभी मम्मी पापा भी आए थे एक्चुअली बिग बॉस फिनाले के लिए दोनों आए थे एंड आज दे आर गोइंग बैक होम टू कैलकटा सो या हाँ थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे आंटी अंदर तो आपने बहुत एंजॉय किया फिनाले के दिन बहुत मजा आया बहुत खुशी भी हुई सबसे मिली कृष्णा से मिली सर से ज़्यादा क्यों खुशी मतलब सर थे सलमान सर के साथ इतना मजा हुआ ही हुआ अच्छे से बात किया और उतने इतने मतलब प्यार से उन्होंने बात किया फिर उनके पार्टी में भी गए बहुत अच्छा लगा अंकल आप तो गोरी के तो बहुत बड़े फैन हो क्या कहना चाहोगे बहुत अच्छा लगा और उनका डांस बताओ बहुत, उसका डांस बहुत अच्छा है पापा अच्छा क्या डांस करती है खतरनाक मतलब पापा तो फैन बन गए उनके डांस का सर का मीट हुआ पार्टी में रात में बहुत खुश हुआ टीना आफ्टर द विनर हैज बीन अनाउंस बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग ख्वाब थे कि कहीं ना कहीं वो प्रियंका सोच रहे थे अर्चना सोच रहे थे लेकिन कुछ अलग ही उन्हें अनाउंसमेंट सुनने मिला आपके लिए कितना ये डिफरेंट मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मेरा दोस्त जीते बट अनफॉर्चुनेटली प्रियंका नहीं जीत पाई बट ना जीत के भी वो जीत गई मैं ये कहना चाहूँगी बिकॉज सलमान सेन भी बोला कि उनके लिए विनर प्रियंका चाहर चौधरी है तो इससे बड़ी जीत की बात और क्या ही हो सकते हैं सो आई वॉज डेफिनेटली वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका आई एम हैप्पी फॉर स्टैन ऑल्सो स्टैन के बहुत अच्छे फैन फॉलोइंग्स है और डेफिनेटली उसके फैंस ने चाहा कि वो जीते तो अच्छी बात है यू नो आफ्टर स्टैंड के विनर होने के बाद अर्चना से भी जब हमारी बात हुई तो अर्चना का भी कहना ये था कि अगर ऐसा ही खेलना था तो दो वीक तो फिर मैं भी ऐसे ही खेलती क्यों अपने आप को मैंने बदनाम किया ये वो किया है क्या कहना या आई मीन स्टैन ऑलमोस्ट ढाई महीने तक सो ही रहा था उसको घर जाना था जो भी है
बट अगेन मतलब इस बार डायनेमिक्स कुछ और था, बिग बॉस का गेम ही कुछ और था, यू नो, मतलब इट्स बेसिकली लाइक जिसका बाहर फैन फॉलोइंग ज़्यादा है या जिसका अभी अभी ताज़ा ताज़ा शो खत्म हुआ है वो कुछ ना करके भी शो जीत सकते हैं, ऐसा वाला सीन था. सो हु आर वी टू से एनीथिंग अबाउट इट? और इसके बाद भी क्या कुछ सरप्राइजेस आप देंगे सभी फैंस को क्या? डेफिनेटली आई थिंक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज कुछ अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे सारे फैंस को. आफ्टर बिग बॉस हाउस किस किस से मिलना हुआ है आपका? प्रियंका से, बट जेन्युइनली गौरी ने भी कल फ़ोन किया था, अर्चना ने भी कल फ़ोन किया था, मैं थोड़ी सी काम में बिजी थी, मैंने सबका फ़ोन मिस कर लिया, तो मैं इन तीनों से तो डेफिनेटली मिलूंगी, गौतम से भी मिलूंगी, अंकित से भी मिलूंगी. क्या गेट टुगेदर होगा आपका सरप्राइज? आई डोंट नो, गौतम अंकित तो यहाँ पे है नहीं, अर्चना भी जा रही है, सो लेट्स सी, डेफिनेटली ट्राई करूँगी कल मिलने का. वेल इसके बाद भी अगर कोई और भी रियलिटी शो करने का मौका मिलता है क्या हम आपको खतरों में देख सकते हैं? खतरों में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट अगर दोबारा मौका मिला खतरों करने का तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों. एंड व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू से टू ऑल द फैंस? क्योंकि थैंक यू सो मच फैंस फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच आज भी आप लोग जितना प्यार कर रहे हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मम्मी पापा को इतना प्यार देने के लिए, उनके रील्स को इतना पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. कुछ डिमांड है आंटी आपके टीना को लेके? नहीं नहीं, जो भगवान ने दिया बहुत कुछ दिया, आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है सभी, मैं बहुत खुश हूँ. अलग अलग शोज जैसे कि मिलने वाले हैं, नागिन है और भी कई शोज हैं, आप क्या चाहती हैं, आप टीना को कहाँ देखना? टीना को भी बहुत अच्छा शो मिलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत जो होगा आगे अच्छा ही होगा. टीना की मम्मी जो कृष्णा अभिषेक के साथ जो भी हुई थी मस्ती, जो बार बार बोल रहे थे टीना की मम्मी उनके बारे में, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में ये सब मतलब होगा मेरे साथ, या मैं उस उतनी बड़ी मंच में जाऊंगी, बिग बॉस के घर में जाऊंगी, कभी ये सब सोचा भी नहीं था. तो बिना सोचे ही मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया. सलमान सर से मिलने के बहुत अच्छा, मैंने चौथी बार मिला हूँ इस शो की वजह से, तो उनकी जो व्यवहार जो बातचीत मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा नहीं जी इतनी बड़ी स्टार, लेकिन उनके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, इतनी प्यार से इतनी शिद्दत से बात की उन्होंने, बहुत अच्छा लगा. टीना हमने तो आपको भी देखा साइकिल पे सलमान सर के साथ, क्या सभी? दैट वाज द बेस्ट थिंग, बहुत मजा आया यार, मतलब सलमान सर के साथ साइकिल पे, मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा. जैसे शहनाज को भी हम बहुत ही जल्द सलमान सर के साथ देखने वाले हैं एक नई मूवी में, क्या आपको भी देख सकते? आई होप सो, प्लीज़ प्रे करो मेरे लिए, मेरे सभी फैंस मीडिया सब लोग प्रे करना, प्लीज़ ऐसा हो जाए, आप सबके मुँह में घी शक्कर ढेर सारा चॉकलेट्स, एवरी थिंग दैट यू डिज़ायर फॉर आई मीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू. हाँ जी हाँ जी, प्लीज़ लेके आऊँगी मैं, डेफिनेटली. हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. पक्का डेफिनेटली. आपका नाम बताओ? स्नेहजाला. डन. आंटी रिमेंबर स्नेहजाला, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम सीइंग हिम आई विल हैव टू गेट रसगुल्ला एंड यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. हो जाएगा स्ने, पक्का हो जाएगा. हां जी रेडी. वेल ये न्यू मेंबर को तो मिला दो ये न्यू मेंबर हमारा प्रियो है. चलो लेट्स गो. ब्रूनो कर टीना जी सेंटर. थैंक यू बाय.
आप नहीं हो हाथ में जाओगे तो दीना 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 एक लास्ट सवाल है, अंदर घर में और भी क्या क्या चीजें छुपा के रखी थी जो अब तक बाहर निकली नहीं है? कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला चॉकलेट ली थी और बिग बॉस के साथ मस्ती भी कर रही थी जिसने बिग बॉस से डाक की चेक की थी. सो दैट्स इट, इट्स लाइक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट गाइस, नथिंग एल्स. सो या बाय 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 गाइस. आई गिव यू फोटो बॉक्स. यस फोटो बॉक्स गाइस. दीस आर सम चॉकलेट्स फ्रॉम